आज एक युवा पीढ़ी को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो भी हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने आज एक इस नए माहौल में जो महसूस किया, जो फील किया, कि आपने एक प्रोग्राम में आने के बाद जो बदलाव अपने भीतर देखा कि मुझे अब मेरे लाइफ में आरसीएम आना चाहिए, मुझे करना चाहिए। सिर्फ एक प्रोग्राम में आने के बाद आपको ये, जब आप इसी मोड पर आ जाते हैं, मैं कहता हूँ इसको जब आप करना शुरू करेंगे, जब इसकी यात्रा शुरू करेंगे, जब आगे बढ़ने लगेंगे, तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है। आपकी जिंदगी में बीमारियां, समस्याएं, झंझट, लड़ाई, झगड़े, अलगाव, विवाद, ये सब तरह सारे डिस्कनीजे क्या करेंगे। इतना खूबसूरत बिजनेस है, बस आपको इस यात्रा में आप जैसे जैसे शामिल होंगे, इतनी आनंदित यात्रा होगी, आपको बहुत मजा आने वाला है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। और क्योंकि प्रोग्राम को मैं आज लास्ट क्लोजिंग करने के लिए आया हूँ, थैंक्स करने चाहता हूँ उन सब लोगों का। और थैंक्स करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा एज ए सपोर्टिव, मतलब मैं साथ लेना चाहता हूँ, ताकि आज की इस शानदार प्रोग्राम को हम लोग समराइज भी करें, उन सभी का थैंक्स भी करें। उन सब का भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज यहाँ पे एज ए यंगेस्टर पार्टिसिपेट किया और आज वो यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए, उन्होंने प्रायोरिटीज दी, उन्होंने इनफैक्ट रोल अदा किए। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो जो भी हमारे साथी हैं, एक बार सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा के अपने आप को उन सबको शानदार उनका वेलकम। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ दिनों पहले की वाकया है, आज के प्रोग्राम से रिलेट कर रहा हूँ उसको। एक साथी से मेरी मुलाकात हुई जो कि बहुत लंबे से बात, लगभग 23-24 साल पहले की मेरी मुलाकात के बाद मेरी मुलाकात हुई कुछ दिनों पहले। मैंने पूछा, दोस्त क्या कर रहे हो? उसने कहा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैंने कहा कौन सी कंपनी कर रहे हो? उसने कहा सर 23 साल में 23 कंपनियां करने का एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है? मुझसे पूछा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा 23 साल में आरसीएम को 230 साल चलाने का अनुभव है मेरे पास। क्या बात, सड़ सड़ के मरे का बता रहा हूं। 23 कंपनियां बदलते हैं। आरसीएम की एक खूबी है कि इसको बहुत सिक्योर बनाया गया, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। टीसी सर को मैं 46 साल के बिजनेस पीरियड से जानता हूं, बिजनेस लाइफ से। मतलब जब जितना प्रियंका मैम और सौरभ भी नहीं जानते, तब मैं, डीसी सर और हमारे भाभी मैम, हम तीन लोग हैं, जितना हम जानते हैं उतना आप कोई नहीं जानते। और मैं जानता हूँ कि उनकी जो भी कभी भी कोई योजना होती है, कोई भी प्लानिंग होती है, वो बहुत कमाल, उसमें बहुत दूर अंदर से होती है, बहुत आगे का सोचते हैं, बहुत सिक्योर बना देते हैं किसी काम को, बहुत स्टेबल बना देते हैं काम को। तो भी प्लान आपके बीच में आया है, आप धीरे धीरे जब जानेंगे तो ये एक ऑटो पायलट मोड पर आपको, जैसे आपको ग्रोथ देना शुरू करेगा, स्टेबल बनाएगा, कंसिस्टेंट बायर की बहुत बड़ी तादाद आपके बीच में खड़ी करेगा, बट आपको काम करना पड़ेगा इसके। तो मैं इसके ऊपर से दो स्लाइडें आपको दिखा रहा हूँ, दो स्लाइड। तो अगर पीछे से साथी जो है वो अगर मेरा लैपटॉप स्क्रीन ऑन कर दे, यस। अब नहीं रहना चाहिए जीरो, अब तक बहुत जीरो निकाल लिए हमने, जीरो का मतलब खरीदारी एक बार की, दूसरे महीने जीरो, तीसरे महीने जीरो, चौथे महीने जीरो, पांचवें महीने बड़ी मेहरबानी करके 100 रुपए का बिल कटा लिया। अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्लान ऐसा नहीं है। अब प्लान क्या है? अब आपका प्लान हीरो बनाने वाला है। तो अब नहीं रहना चाहिए जीरो, अगर बनना चाहते हो, अब नहीं रहना चाहिए जीरो, अगर बनना चाहते हो, अब नहीं रहना चाहिए जीरो, अब नहीं रहना चाहिए जीरो, अगर बनना चाहते हो, राइट बनना चाहते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड और दिखा रहा हूं आपके पीछे में। अगर चाहिए सिस्टम से कार,
क्योंकि कंपनी ने तरीका दे दिया है कि आपकी इनकम आती रहेगी, हम बोनस से ही कार दे देंगे आपको, है ना, आपको बोनस से ही कार दे देंगे, बोनस से कार आ जाएगी आपके पास में। अगर आप चाहते हो कि आपको कार आ जाए, तो अगर चाहिए सिस्टम से कार, तो खरीदारी करते रहे बिना चुके हर बार। दो ही स्लाइड में आपसे ज्यादा नहीं करूंगा मैं आपके बीच में, लेकिन लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका जवाब क्या है। हाँ भाई हाँ। क्या जवाब आपका? हाँ भाई हाँ। अब इस जवाब को पूरी दुनिया को दे सकते हैं हम लोग? हाँ भाई हाँ। अपने आप को दे सकते हैं? हाँ भाई हाँ। फैमिली को दे सकते हैं? हाँ भाई हाँ। कंपनी को दे सकते हैं? हाँ भाई हाँ। तो मैं अभी क्या करूं, सिर्फ आपको आज यहाँ से निकलने के पहले पहले सबको अपनी जगह से मैं खड़ा करूंगा, आप सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और आपको जवाब देना है। मैं सवाल पूछूंगा, अरे मैं सवाल पूछूंगा। ओके ओके ओके, चलिए तो बहुत बढ़िया, मेरे पास बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है। क्या कोई बाकी आप एक बार खड़े तो हो जाएंगे अपने आप अपनी जगह से। मैं एक लाइन बोलूंगा, आपने जवाब देना है। जवाब क्या देना है? मैं एक लाइन बोलूंगा, आपने जवाब क्या देना है? दूसरी लाइन बोलूंगा, जवाब क्या देना है आपने? तीसरी लाइन बोलूंगा, जवाब क्या देना है? अगर तीसरी लाइन का जवाब थोड़ा सिंपल नहीं, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए ना, वो कहते हैं जैसे हाँ भाई हाँ, फिर हाँ भाई हाँ, फिर बोला हाँ भाई हाँ, राइट। तो तीन लाइनें बोलूंगा, पहली दूसरी तीसरी, पहले में हाँ भैया, दूसरे में हाँ भैया, तीसरे में थोड़ा सा पावर पंच के साथ, पावर पंच के साथ, राइट, तैयार है? फिर अगली लाइन, फिर उसके अगली लाइन, फिर तीसरी लाइन, राइट, ठीक है। दो मिनट, डेढ़ मिनट का टाइम हमारा होगा। और एक बार मैं चाहता हूँ हमारे फोटोग्राफर भाई जो भी है ना, ये हिंदुस्तान को जवाब देना है, एक बार अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह पूरा पब्लिक को ऑडियंस को कवर कर लेंगे। ये कितने आग इनके अंदर लगी हुई, कितने बब्बर शेर है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये क्या कमिट करके जा रहे हैं आज आपके बीच में, है ना। तो जो भी फोटोग्राफर से वो एक बार रिकॉर्ड कर ले, कुछ मेरे को भी रिकॉर्ड कर ले, कुछ पब्लिक को रिकॉर्ड कर ले, कुछ इस तरह से मैनेज करें। तो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ, नए नए दोस्त बनाओगे, अब हर घर घर जाओगे, तो हर दिन प्लान दिखाओगे, दिल से भरोसा जताओगे, सभी प्रोडक्ट्स घर लाओगे, हर घर तक पहुंचाओगे, हर मीटिंग में आओगे, सीखोगे सिखाओगे, जल्दी लक्ष्य पाओगे, बहुत बड़ी सोच बनाओगे, हर मुश्किल पार कर जाओगे, जिम्मेदार बनकर दिखाओगे, ईमानदारी का रास्ता अपनाओगे, सबका साथ निभाओगे, बड़ों का आशीर्वाद पाओगे, बच्चों को खूब पढ़ाओगे, देश दुनिया घुमाओगे, सपने पूरे कर पाओगे, मजबूती से टिक जाओगे, हर वादे को निभाओगे, कामयाबी लाकर दिखाओगे, सही तरीके पर आओगे, सिस्टम को अपनाओगे, सुरक्षा कवच बन जाओगे, नए नए लक्ष्य बनाओगे, अगले दिन पर जाओगे, नया इतिहास रचाओगे, दिल से साथ निभाओगे, आसिम के गीत गुनगुनाओगे, भारत की शान बढ़ाओगे, आधुनिक तरीके अपनाओगे, नए युग से जुड़ जाओगे, हजारों गुना कर दिखाओगे, दुनिया को जीत कर दिखाओगे, आसिम में हो जाओगे, तो जरूर डायमंड जाओगे, तो जरूर डायमंड जाओगे। अगर नए नए दोस्त बनाओगे तो जरूर डायमंड जाओगे, सभी प्रोडक्ट्स घर लाओगे तो जरूर डायमंड जाओगे, हर मीटिंग में आओगे तो जरूर डायमंड जाओगे, हर मुश्किल पार कर जाओगे तो जरूर डायमंड जाओगे।
जरूर डायमंड जाओगे, तो जरूर डायमंड जाओगे। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, तो जरूर डायमंड जाओगे, जरूर डायमंड जाओगे।